गया के दवा मंडी में थोक विक्रेता तुलसी फार्मा ने प्रगति इंटरप्राइजेस मेडिकल दवा एजेंसी में चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना बीती रात की है, जब चार चोर चारपहिया वाहन से सवार होकर चोरी करने आए थे। चोरों ने तुलसी फार्मा से 4 लाख नगद व लाखों मूल्य की दवा चोरी करके फरार हो गए, तो वहीं प्रगति इंटरप्राइजेस से 3 लाख रुपए नकदी और हजारों मूल्य की दवा लेकर फरार है। इस संदर्भ में पीड़ित प्रभात कुमार सिन्हा ने बताया कि सुबह 8:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि दुकान में चोरी हो गई है। तत्काल दुकान पहुंचकर देखा तो इसकी जानकारी कोतवाली थाना प्रभारी को दिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी एसटीटी डीएसपी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और उनके आदेश अनुसार उन्होंने दुकान का निरीक्षण किया तो देखा कि काउंटर से 3 लाख नकदी व हजारों मूल्य की दवा चोरी की गई है। मेरा नाम प्रभात कुमार सिन्हा हुआ, प्रगति इंटरप्राइजेज का मैं पार्टनर हूँ। सुबह पहर लगभग 8:30 बजे मुझे सूचना मिली कि हमारे दुकान में चोरी हो गई। मैं तत्काल दुकान पहुंचा और सबसे पहले कोतवाली थाना प्रभारी को खबर भिजवाया कि हमारे मार्केट में चोरी हो गई है। एक हमारे बगल के दुकानदार तुलसी फार्मा के दुकान में भी चोरी हो गई। थाना प्रभारी आए, आने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया। सिटी डीएसपी भी तत्काल पहुँच गए, उन्होंने भी निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उनकी अनुमति से मैं दुकान का सब सामान को देखा तो मैंने पाया कि लगभग मेरा 3 लाख से ऊपर का कैश काउंटर से गायब है, जो विभिन्न जगहों पर काउंटर के पास ही रखा हुआ था। और 2-3-4 कार्टून दवा जिसका स्टॉक मैं मिला रहा हूँ कि कौन कौन दवा थी, वो दवा उपलब्ध नहीं है। किस चीज़ का दवा था वो? वो दवा विभिन्न रोगों का था, डायबिटीज का था, हार्ट का था, ये सब। तो दवा की चोरी का मतलब कुछ समझ नहीं आया, पैसा तो चोरी करते हो, दवा किस? दवा भी ले गया है, अब क्यों ले गया, कैसे ले गया ये तो पता नहीं।